क्रिस्टन गर्लफ्रेंड अलेक्सिस उर्फ राशेल गोडिन्हो तेजस्वी की हो गई। दोनों कल परिणय सूत्र में बंध गए। निहायत पारिवारिक समारोह में न मीडिया और न ही राजनीतिक एंट्री थी। शादी दिल्ली के सैनिक फॉर्म में हिंदू विधि विधान के साथ विवाह की रस्में पूरी हुई और इस विवाह को लेकर कई एक बातें अब सामने आई हैं, क्योंकि मीडिया की एंट्री नहीं थी, न तस्वीरें सामने आ रही थी और ना ही तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम। इन दोनों की चर्चा काफी ज्यादा रही। तेजस्वी यादव की पत्नी और तेजस्वी की तस्वीरें कई एक जो हैं अब सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में सबसे अधिक चर्चा सिंदूरदान की तस्वीर का है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। हालांकि चलिए अब जानते हैं कि इस शादी को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। चर्चा इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे हैं और वे अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, इसलिए दुलारे भी हैं और इस कारण उनको लेकर चर्चाएं अधिक हो रही थी। आज भी वो डायनेमिक तौर से हर किसी को सबसे अधिक भाते हैं और खास बात ये रही कि क्रिकेटर से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उनकी एक अलग पहचान रही है। शादी की चर्चा होते ही उनकी गर्लफ्रेंडों का नाम उछाला गया, नाम को लेकर कयास लगाया गया। लेकिन कल जब सगाई हुई तो पहली तस्वीर ये सामने आई और इसके सामने आते ही साफ हो गया कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने शादी किससे की है। अब चर्चा है कि तेजस्वी यादव पटना कब पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर खबर है कि वे जल्द ही पटना पहुंचेंगे। कोई आधिकारिक तौर पे तारीख नहीं बताया गया है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा है कि 11 दिसंबर को तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया के साथ पटना आएंगे। खबर ये भी है कि लालू यादव ने पटना में बहुभोज का बड़े स्तर पे तैयारी भी की है। हालांकि ओमिक्रॉन के एंट्री पर अब कहीं ना कहीं एहतियात बरतना भी जरूरी है। ऐसे में कई एक सवाल भी उठ रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार कब पहुँचते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा था कि कौन है वो लड़की, तो ये साफ हो चुका है कि उनकी पत्नी क्रिश्चियन है और उनका पूरा नाम अलेक्सिस उर्फ राशेल गोडिन्हो है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अलेक्सिस के हिंदू धर्म अपनाने को तैयार होने पर ही इस शादी पर हामी भरी है। सूत्रों की माने तो लालू यादव तेजस्वी और अलेक्सिस की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में परिवार के सभी सदस्यों से लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि अलेक्सिस शादी से पहले हिंदू धर्म कबूल करेंगी, जिसके बाद लालू इस शादी को लेकर तैयार हुए। और इस दौरान की कई तस्वीरें आई हैं जिसमें उनकी बहनें खास तौर पे सपोर्टिव रूप में दिख रही हैं। चाहे वो कोई भी रस्म हो, हर रस्म में उनकी सभी बहनें हैं। लेकिन ये खबर भी रही कि रोहिणी आचार्य नहीं आ सकी, विदेश में रहने के कारण वो ना आ सकी और सोशल मीडिया पर बधाई भी दी हैं और उन्होंने कहा है कि हम पास नहीं हैं लेकिन आशीर्वाद मेरा साथ है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक आरजेडी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लालू यादव के पुत्र बधू अलेक्सिस उर्फ राशेल गोडिन्हो अब राजेश्वर यादव के नाम से जानी जाएंगी। बताया जा रहा है कि शादी से पहले उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अलेक्सिस उर्फ राशेल गोडिन्हो ने हिंदू धर्म को अपनाया। उन्होंने अपना नया नाम राजेश्वरी यादव कबूल किया है। हालांकि अलेक्सिस के हिंदू धर्म अपनाने के सवाल पर लालू फैमिली की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। खैर, इस शादी में मीडिया की एंट्री नहीं थी और ना ही राजनीतिक दिग्गजों का निमंत्रण था। शादी बिल्कुल ही पारिवारिक और निजी रूप में संपन्न हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव वर वधु को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे थे। बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी
सगाई से थोड़ी लेट पहुंचे और इस दौरान खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई कि तेज प्रताप यादव जैसे ही पहुंचे तो तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तेजस्वी यादव पटना कब लौटते हैं और वो भी अपनी पत्नी के साथ, सभी की निगाहें इस पर ही टिकी हुई हैं। फिलहाल निर्माण टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।